गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने ए बॉयज सॉन्ग नामक कविता पढ़ी थी और आज अपन नेक्स्ट जो पोइम है होप, बहुत ही अच्छी क्रिएटिव और मोटिवेशनल पोइम है और इस इनके जो कवि है जिनके द्वारा ये कंपोज्ड की हुई है पोइम, उनका नाम है राजन अग्रवाल। ये जो सेकावाटी में जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू जिला है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम उम्र के हैं, 92 का इनका जन्म है। इनके द्वारा इस कविता में हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है कि हमें आशान्वित होना चाहिए, व्यक्ति को कभी भी डेस्पेयर नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, आशा से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आशा होती है वहाँ सब कुछ अपन प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट आशा, यानी हिंदी में एक प्रोवर्ब है, कहावत बोल सकते हैं जिसको, जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी चाह का मीनिंग जहाँ हम आशा करते हैं वहाँ हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और व्यक्ति किसी काम को करने से पहले ही निराश और हताश होकर बैठ जाता है तो उसे अपनी उसके खुद की लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है वो व्यक्ति। तो इस पॉइंट में कवि संपूर्ण मानव जाति को बहुत बड़ा संदेश देता है, संदेश दे रहा है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में यही बताया गया है कि आशा रखने के फायदे क्या है और आशा हमारे जीवन को किस प्रकार प्रफुल्लित करती है, किस प्रकार आनंद से भर देती है। और आशा के इस कविता में मतलब कवि भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है, यानी आशा के अनेक नाम बताए गए इस कविता में। एक भावी प्रासंगिकता के नाम से भी जानते हैं, उपकार के रूप में भी जाना जाता है आशा को, और आशा को एक्सपेक्टेशन के नाम से भी कवि ने संबोधित किया है। तो आशा यानी प्रेजेंट में और पास्ट में भी कवि ने बताया है कि हम भूतकाल में भी आशा पर ही जीवित थे, यानी हमने जो जिंदगी जी है या जीवन जिया है वो भी क्या है, आशा पर ही डिपेंड था। यानी हर व्यक्ति की कोई ना कोई आशा जरूर होती है और होनी भी चाहिए, यानी अपने कार्यों के प्रति, अपने जो फ्यूचर के जो एक्शन है, जो डूअर है, सब करता है, जो करने वाला होता है, उसको कोई मतलब हर प्रकार की आशा रखनी चाहिए। यानी हम जो भी कोई कार्य करते हैं आशा से क्या है, मन प्रफुल्लित होता है, मन में खुशी आती है, आनंद से हम भर जाते हैं। तो जो कोई जिस कार्य में अगर हम खुश होकर जिस कार्य को करेंगे तो उस कार्य में सफलता हमें बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, और कुछ उस कार्य को करने का अंदाज ही कुछ अलग होगा। क्योंकि एक वाक्य है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम खुशी के लिए काम करेंगे, यदि हम खुशी के लिए काम करते हैं तो हमें न तो उस कार्य में खुशी मिलती है और न ही सक्सेस मिलती है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ क्या है, यदि हम किसी काम को खुश होकर करते हैं, यानी मतलब पूरा एंजॉय लेकर किसी काम को करते हैं खुशी, तो उस कार्य में हमें सफलता भी मिलती है और खुशी भी मिलती है, दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी काम खुशी के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि खुश होकर करना चाहिए, यानी हंसते हंसते किसी काम को अगर करेंगे तो उस काम में हमें सफलता भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, यानी दोनों ही चीज़ें प्राप्त हो जाएगी हमें। तो हम इस कविता को अपन पढ़ते हैं और एक सबसे बड़ा फायदा है आशा का कि जो आशा है, होप है, वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता, यानी हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट जरूर क्रिएट हो जाते हैं, यानी पॉजिटिविटी कम रहती है और नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं कि यार मैं इस काम को कर रहा हूँ, इस काम में कितनी समस्याएँ होगी, मुझे सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के जो नकारात्मक जो आइडियाज़ है, वो नेगेटिव जो थॉट्स है वो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं। अगर हम आशान्वित है, हम मतलब क्या होपफुल है, आशा से भरे हुए हैं, तो
ये नेगेटिव थॉट है ना हमारे माइंड में कभी नहीं आएंगे। तो आशा का सबसे पहला काम है, आशा हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने का काम करती है। और जब हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं रहती आसपास में, तो हम किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से, सहजता से कर सकते हैं और उस कार्य में हमें सक्सेस भी प्राप्त बहुत जल्दी हो जाती है। अब देखो इस कविता को अपन पढ़ते हैं। राजन जी अग्रवाल बहुत ही एक मोटिवेटर है, यानी ये इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश छोड़ा है, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा है कि हमें हमारे जीवन में आशा से रहित नहीं होना चाहिए, कभी भी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रत्येक काम में हमें आशान्वित होकर के किसी कार्य को करना चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट लाइन क्या है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? होप का अभी मैंने आपको बताया है, होप को हिंदी में क्या कहते हैं? आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा। और डिफरेंट यानी भिन्न, यानी आशा को कवि के द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, यानी आशा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है इस कविता के अंदर। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। अब देखो कुछ लोग इसे क्या पुकारते हैं, कॉल का मतलब होता है पुकारना या कहना, एक्सपेक्टेशन का भी मीनिंग क्या होता है? आशा ही होता है, उम्मीद बोल सकते हैं जिसको, आशा ही होता है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। रिलेवेंस यानी क्या होता है? जो भावी भावी जो प्रासंगिकता होती है, भावी प्रासंगिकता का मतलब है हम अगर किसी काम को करते हैं तो उस कार्य को उसी प्रकार हम शुरू करते हैं, यानी यही थॉट रहती है हमारे माइंड में कि हमें इस कार्य से भविष्य में सफलता मिलेगी और हमें भरपूर खुशियां प्राप्त होगी। तो वो होती है हमें हमारी क्या बोल सकते हैं जिसको, फ्यूचर रिलेवेंस। यानी आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं कवि के द्वारा, और सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे आशा कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और अन्य जो अवस्थाएं हैं उसमें आशा को क्या नाम दिया गया है? भावी प्रासंगिकता दिया गया है। सम अदर्स थिंक, कुछ अन्य जो लोग हैं वो सोचते हैं, इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, यानी इसे एक उपकार का मापक सोचते हैं, यानी उपकार का मापक सोचते हैं लोग। मेजर यानी मापना, और बेनिफेक्शन यानी होता है उपकार, उपकार यानी। तो अब यहां देखो तीन नाम दिए गए, एक्सपेक्टेशन बोल दिया, फ्यूचर रिलेवेंस दे दिया, और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन दे दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी अजीब सी स्पेलिंग है, थोड़ा ध्यान देना। सम अदर्स यानी कुछ लोग आशा के बारे में क्या सोचते हैं, यानी ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, यानी एक उपकार का क्या है, एक मापन है, मापक है, हम इस दृष्टि से इसको सोचते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, बट कवि क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है? मी यहां किसके लिए आया है? पोइट के लिए आया है, राजन जी अग्रवाल के लिए आया है मी। होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, यानी कवि के लिए आत्मा क्या है, सॉरी आशा क्या है? क्रिएशन ऑफ साउल। तो क्रिएशन ऑफ साउल का मीनिंग क्या होता है? देखो साउल यानी होता है आत्मा, आत्मा का सृजन, यानी आत्मा का सृजन होता है क्रिएशन ऑफ साउल। तो कवि के लिए क्या है, यानी लोग तो इसे आशा, भावी प्रासंगिकता, उपकार का मापक ऐसे मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन कवि आशा को क्या कहता है कि आशा मेरे लिए आत्मा का सृजन है, आत्मा का सृजन होता है आशा से। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, यानी ये जो आशा है वो हमें किससे भर देती है, इससे हमें किस चीज का आभास होता है? खुशियों का, यानी प्रसन्नता का। प्लेजरसम यानी क्या होती है? प्रसन्नता, यानी प्रसन्नता का एहसास दिलाती है आशा, यानी हमें बहुत अधिक खुश कर देती है आशा, क्योंकि अगर हम खुश होकर आशान्वित होकर किसी काम को करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, और सफल होंगे किसी काम में तो हमें क्या है, खुशी का अनुभव होगा, अपने आप होगा, यानी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। एंड लीप विद एंथुसियज्म एंड ग्लो। लीप का मीनिंग होता है कूदना, क्या होता है? लीप का मीनिंग होता है जंप,
और जंप को आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं, कूदना कहते हैं, यानी जंप करते हैं ना अपन। तो एंड लीप विद एंथुसियज्म, एंथुसियज्म का मीनिंग क्या होता है, उत्साह है बोल सकते हैं अपन इसको। यहां देख लिख रहा हूं आगे, यानी हम उत्साह है। एंड ग्लो, ग्लो का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना, ग्लो यानी होता है चमक, यानी हम चमक और उत्साह से क्या है उछलते हैं, लीप यानी कूदते हैं या जंप करते हैं। और ये उत्साह और चमक आती कहां से, जब हम आशान्वित होकर किसी काम को करेंगे तो आशा हमें क्या है खुशियों से भर देगी, हमें हमारे अंदर क्या है हमारी आत्मा में प्रसन्नता की अनुभूति होगी, तो हमारे चेहरे पर उत्साह है और चमक आसानी से देख पाएंगे लोग। अब आगे देखो, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी हम जो भूतकाल में थे, इन पास्ट का मतलब भूतकाल और सर्वाइव यानी होता है जीवित रहना, जीवित रहना। यानी कवि कह रहा है हम अगर भूतकाल में देखे तो वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा पर ही जीवित थे। कवि क्या कह रहा है कि अगर हम भूतकाल की बात करें पास्ट की, तो पास्ट में भी हम क्या है आशा पर ही जीवित थे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, अब सरमाइज यानी क्या होता है, अंदाजा लगाना होता है, क्या होता है अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना बोल सकते हैं जिसको, यानी हम फ्यूचर में भी क्या है, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, क्योंकि हमने क्या है भविष्य का भी अंदाजा लगाया, बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण, आशा के कारण, यानी हमने भविष्य का भी अंदाजा लगा लिया, फ्यूचर का भी सरमाइज कर लिया, आइडिया लगा लिया, किसके कारण, आशा के कारण, आशा के कारण ही हमने भविष्य का अंदाजा लगाया। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, जो आशा होती है वो हमारे अंदर जो किल यानी क्या होता है मारना, और नेगेटिविटी यानी होता है क्या होता है नेगेटिविटी यानी होता है नकारात्मकता, और इनसाइड यानी क्या होता है अंदर की तरफ, अंदर की, यानी जो आशा है वो हमारे जो शरीर के अंदर, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं जिसको, उसको मारने का काम करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, फिल्स यानी क्या होता है भरना, फिल यानी क्या होता है भरना, अस यानी हमें, विद यानी साथ, किससे भरती है काम एंड क्वाइट, दोनों का मीनिंग क्या होता है शांत। और हमारे मन को क्या है आशा किससे भर देती है, बिल्कुल शांति, शांति पैदा कर देती है हमारे मन के अंदर, यानी हमारा जो मन है, जो हमारा मन है वो इधर से उधर डिगता नहीं है, मतलब हिलता नहीं है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा मन क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है। तो ये ही आशा के फायदे हैं। और लास्ट में क्या बताए हैं इस स्टेंजा का, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, और जो पक्षी होते हैं ना, जो जितने भी धरातल पर जो पक्षी है, पक्षी क्या हर चीज आशा पर ही डिपेंड है, यानी आशा पर ही जीवित रहते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आशान्वित होकर ही उड़ते हैं, पक्षी मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी पक्षियों को आशा ही उड़ने के काबिल बनाती है। तो ये थे आशा के फायदे और आशा के विभिन्न नाम। अब इसके बाद में आगे की अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, इससे पहले एक लाइन पढ़ी थी कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि जो पक्षी होते हैं वो भी आशान्वित होकर के आकाश में उड़ते हैं, यानी आकाश में आशा क्या रहती है कि वो अपने छोटे बच्चों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करते हैं, इस आशा से ही उड़ते हैं। और एक है ना अपना जो घर बनाने के लिए, इसमें बताया है, मैं आपको ऐसे ओरली बता रहा हूं अपना घर बनाने के लिए घास फूस की उनको आवश्यकता होती है, जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं ना, अपने अपना घोंसला बनाने के लिए उन्हें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है,
तो वो मटेरियल और जो भोजन है अपने छोटे बच्चों के लिए उनकी तलाश में आज कुछ आशा लेकर ही उड़ते हैं कि हमें हम हमारे बच्चों के लिए कहीं दूर से दूर दूर जाकर उड़ करके हम अपने बच्चों के लिए क्या है दाना पानी की व्यवस्था करेंगे। तो अब देखो पोएम आगे देखते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ये इन पक्षियों के लिए बताया है कि जो पक्षी होते हैं उनके लिए, मतलब इन सर्च ऑफ फूड, सर्च का मीनिंग आपको पता है, ऑफ फूड यानी भोजन की, सर्च यानी क्या होता है तलाश, क्या होता है तलाश, यानी भोजन की तलाश में फॉर यंग वंस, यानी यंग वंस का मतलब होता है अपने छोटे बच्चों के लिए। यंग वंस का मीनिंग यहाँ क्या है, अपने छोटे बच्चों के लिए, यानी पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो भोजन की तलाश में आसान्वित होकर उड़ते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, मटेरियल का मतलब क्या होता है, सामान होता है, क्या होता है सामान, और बिल्ड यानी बनाना होता है, मैक जिसको अपन बोलते हैं बनाना, और डियर होम्स यानी अपने घर बनाने के लिए उनको जो मटेरियल की आवश्यकता होती है, और पक्षियों की छोटे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश, भोजन की जो आवश्यकता होती है, इन दोनों ही चीज़ों की पूर्ति के लिए वे आसान्वित होकर यानी आशा से भर कर के उड़ान भरते हैं। आगे देखो, इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड, यानी जो आशा है वो क्या बनाती है, दैट मेक्स ए बर्ड, एक कली बनती है, पेड़ की जो कली होती है ना उसको बोलते हैं बड, यानी क्या होता है कली। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, यानी जो कली होती है छोटी सी वो स्टे ऑन द ब्रांच, स्टे यानी ठहरना या रुकना दोनों ही मीनिंग होते हैं। स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच यानी जो पेड़ की जो शाखा होती है, और ब्लूम यानी क्या होता है खिलना, क्या होता है खिलना, यानी कवि कह रहा है राजन जी अग्रवाल कह रहे हैं कि जो पेड़ की जो कली होती है एक वृक्ष की, वो आसान्वित होकर के ही यानी आशा से ही वो क्या है, जो पेड़ की जो शाखा होती है उस पर ठहरती है, यानी स्टे ऑन यानी उस पर रुकी रहती है, एंड ब्लूम और खिलती है, यानी उसका रुकना क्या है, रुकने में भी एक प्रकार की आशा है कि कुछ समय बाद में वो खिल जाएगी वो कली, ठीक है। ट्रीज लॉस दियर लीव्स विद ए हॉप, जो पेड़ होते हैं बड़े वृक्ष होते हैं वो लॉस यानी खोना, क्या होता है खोना, यानी दियर लीव्स यानी अपनी जो पत्तियां होती है, लीव्स का मीनिंग क्या होती है पत्तियां, यानी पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को खोते हैं विद ए हॉप, एक आशा के साथ, किस आशा के साथ कि दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, यानी क्या है कि दैट वन डे मतलब क्या है, दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, किस आशा से पेड़ अपनी पत्तियों को खोते हैं गिराते हैं, आपने देखा है, अपन देखते हैं कि जो पतझड़ जो ऋतु होती है, ऑटम जो सीजन होता है उसमें पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है, बिल्कुल पत्तियों से विहीन हो जाते हैं पेड़ पौधे, तो वो उनकी क्या आशा रहती है कि एक न एक दिन इट विल बी लेडन, लेडन यानी होता है लदे रहना, बहुत सारी पत्तियां खिल जाना पेड़ के ऊपर आ जाना, लेडन यानी होता है लदे रहना विद ग्रीन ह्यूज, ग्रीन ह्यूज यानी क्या मतलब होता है, ग्रीन यानी हरे या हरा, और ह्यूज यानी क्या होता है रंग कलर, यानी उनकी आशा रहती है कि एक न एक दिन ये जो पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो हरे रंग की पत्तियों से लग जाएगा यानी भर जाएगा, इसी आशा से वो क्या है पेड़ अपनी पत्तियों को पतझड़ ऋतु में गिराते हैं। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, यानी जो आशा है एनलाइटन्स यानी क्या होता है प्रकाशित करना, एनलाइटन का मीनिंग क्या होता है प्रकाशित करना, प्रकाशमान करना, जो आशा है वो प्रकाशित करती है, द लाइफ्स ग्लूमी, जो हमारे जीवन के ग्लूमी थ्रोफेयर्स यानी जो अंधकार भरे
जो रास्ते हैं, जो अंधकार भरे जो रास्ते हैं, ग्लूमी अंधेरे से भरे हुए, यानी जो आशा किसको प्रकाशित करती है, जो हमारे जीवन के आशा ग्लू ग्लू क्या बोलते हैं इसको, ग्लूमी थोरफेयर, यानी जो अंधेरे अंधकार से भरे हुए जो हमारे रास्ते हैं, यानी हमने आशा छोड़ दी है, उनको प्रकाशित करने का काम करती है, यानी आशा उनको प्रकाशित करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड मेक्स अस फील, और हमें क्या आभास करवाती है, फील का मतलब होता है एहसास करवाना, अनुभूति करवाना, द फ्रेशनेस एंड वार्म्थ ऑफ द डे अहेड। फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी, और वार्म्थ यानी क्या होता है, गर्मजोशी, यानी हमें बिल्कुल तरोताजगी का आभास करवाती है, और वो तरोताजगी होती किसकी है, ऑफ द डे अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, आगे बढ़ना। अब आगे बढ़ने का मीनिंग क्या होता है, यहां देखो कि हमारे जो अंधकार भरे जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है और हमें तरोताजा करती है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन का मीनिंग क्या होता है, चलायमान, चलायमान का मीनिंग क्या होता है, यानी आशा हमारे जीवन को चलायमान रखती है, यानी चलाए रखने का काम करती है, हमारा जीवन है वो आशा पे टिका हुआ है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जो जीवन है, लाइफ इज ए, जो व्यक्ति का जो जीवन होता है, डेरिवेटिव का मीनिंग होता है व्युत्पन्न, क्या होता है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब अनेक कामों से परिपूर्ण। ऑफ द फंक्शन, फंक्शन यानी क्रियाएं, एक्टिविटीज, एक्शंस, जो हमारा जो जीवन है वो क्रियाओं का एक व्युत्पन्न है, कॉल्ड होप, जिसको कवि ने क्या नाम दिया है, आशा, जिसको कवि ने क्या नाम बताया है, राजन अग्रवाल ने क्या बताया, आशा बोला है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम एक्सीलेंस का मीनिंग क्या होता है, प्राइम एक्सीलेंस का एक साथ बता देते हैं मीनिंग आपको, प्राइम यानी मुख्य या श्रेष्ठ बोल सकते हैं, एक्सीलेंस यानी होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, जो आशा है वो मुख्य श्रेष्ठता है हमारे जीवन की, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और ये आशा राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, यानी जिस दिन हमारा इस धरती पर आगमन होता है, एक व्यक्ति जन्म लेता है इस धरती पर, उस दिन से ही ये आशा क्या है, हमारे जीवन में लागू हो जाती है। तो ये यहाँ आकर पोइम समाप्त होती है। इस कविता में राजन जी अग्रवाल है, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और मुश्किल से 27-28 साल उम्र है इनकी, इन्होंने पूरी संपूर्ण मानव जाति को इस आशा, एक छोटी सी इस कविता के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है, यानी उन्होंने कहा है कि हमें जीवन में आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमारे जीवन में आशान्वित होकर काम करना चाहिए, क्योंकि आशा होती है ना, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, कि आशा हमारे अंदर की जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, उसको मारने का काम करती है, और जब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति क्या है, ए मैन मैक्स क्या है, ए मैन फील्स विद जॉय, व्यक्ति खुशी से भर जाता है, आनंदित होकर किसी काम को करता है तो उसे आनंद भी मिलता है और सफलता, दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। यहाँ 2-3 एग्जाम्पल भी बताए हैं कवि ने, सबसे पहले पक्षियों का एग्जाम्पल लिया कि जो पक्षी होते हैं वो क्या है, वो भी आशान्वित होकर अपने छोटे बच्चों के लिए और अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए आकाश में उड़ते हैं, तो वो भी इसी आशा से उड़ते हैं कि उन्हें दाना पानी मिलेगा, और अपने जो घर के लिए, जो नेस्ट घोंसला बनाने के लिए उनको मटेरियल की जो नीड है वो भी प्राप्त होगा। फिर दूसरा पेड़ का एग्जाम्पल दिया है, एक कली का एग्जाम्पल दिया है कि जो बड होती है, बड का मीनिंग क्या होता है, कली, जो पेड़ की जो कली होती है
छोटी जो टहनी बोलते हैं जिसको शाखा पर खिली रहती है, वो कली भी आसान्वित होकर उस ब्रांच के ऊपर पेड़ की शाखा पर ठहरी रहती है, क्या आशा रहती है कि वो भी एक न एक दिन क्या है, ब्लूम होगी, यानी खिलेगी, वो भी खिल जाएगी। और जो दूसरा है पेड़, पेड़ भी अपने पत्ते इसी आशा से गिराते हैं, यानी जो ऑटम जो ऋतु होती है, ऑटम जो सीजन होता है, पतझड़ ऋतु, उसमें पेड़ इसी आशा से पत्ते गिराते हैं कि एक न एक दिन जब बसंत ऋतु आएगी तो उनकी जो पूरा का संपूर्ण जो वृक्ष है वो हरे रंग की पत्तियों से वापस लेडन, लेडन यानी होता है भर जाना, लदे होना। और आशा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, हमारे जीवन के जो अंधकार भरे जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करने का काम आशा करती है। और आशा हमारे अंदर है वो ताजगी और फ्रेशनेस और वांत गर्मजोशी भरती है, जिससे हम आगे बढ़ने का काम करते रहते हैं और हमारे जीवन को चलायमान रखती है। और जो जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का व्युत्पन्न माना है कवि ने, और इस चीज़ को कवि ने, राजन जी अग्रवाल ने क्या नाम दिया है, आशा बताया है। और आशा हमारे जीवन की मुख्य श्रेष्ठता है, मुख्य श्रेष्ठता है। और लास्ट में कवि ने बताया है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, यानी जिस दिन हमारा जन्म होता है, इस पृथ्वी पर आते हैं, उसी दिन से आशा हमारे जीवन में लागू हो जाती है। तो इसके जो क्वेश्चन है उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके।